अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। किधर जा रहे हैं? माल पे। गुगलू मुगलू देखे, दो दो हेलमेट पहने, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? आमिर नजीर। है आमिर नजीर। आमिर नजीर, आज तो टेस्ट क्रिकेटर ही लग रहे हो। आपने किधर जाना है सर? हारोड। हारोड जाना है। तो बैक सीटर जो है, पीछे बैठने वाली सवारी, वो हेलमेट जब पहने तो कुछ थोड़ी सेफ्टी का एहसास होता है कि आप सेफ हैं। आप बिल्कुल होता है, है ना? हाँ जी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। कानून के पाबंद हमारे मुहज़्ज़ब शहरी, देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, आज तो सारे टेस्ट क्रिकेटर लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, किधर जा रहे हैं? दरोगे वाले जा रहे हैं। दरोगे वाले जा रहे हैं आप? सर दरोगे वाले जा रहे हैं? साथ ही जा रहे हैं। साथ जा रहे हैं। मैं क्या रस्ते से ना उतरना हो, पता लगता बंदे का? नहीं नहीं, रस्ते से नहीं उतर सकते। नहीं लगता ना, तुम रस्ते से नहीं उतर सकते। नहीं है, इकट्ठे ही आए हैं, इकट्ठे ही जाए। मैंने कहा तुम नक्शा शेयर किया कि इकट्ठे जा रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं कि बैग पे बैठ के आपको सेफ्टी नहीं महसूस होती कि यार हेलमेट पहना है? भाईजान खुदा ना खासा गिरते, आपने हेलमेट ना पहना होता, हेड इंजरी के चांसेस उतने ही हैं जितने उनके हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट। ये बेहतर है ना? एग्जैक्टली। हाँ जी, ये सूरत हाल है सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? किधर जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। तो हेलमेट ही नहीं पहना? नहीं, ये इसमें रखा हुआ है। क्यों पहना? क्यों नहीं? अभी बाहर निकले ना। और बाजी, आपको लगता है बाजी पसंद ही नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाहते ही नहीं है कि वो हेलमेट पहने? नहीं चाहते ना? नहीं चाहते हैं। चाहते क्यों नहीं है? आप क्यों उनके सर को महफूज नहीं रखना चाहते? नहीं, ये तो बताया नहीं ना मैंने, एक ही बताया ना हमने। भाई सलाम अलैकुम। भाई जी, आपको ख्याल नहीं रखते? रखते हैं। तो आपको हेलमेट क्यों नहीं लेके दिया? मेरी बहन गिर सकती है, अगर गिरने की सूरत में दूसरा इधर जो व्हील कवर है वो लगाने होंगे। बाजी बैठती हैं, दुपट्टा इनका फंस सकता है, बच्चे बैठ सकते हैं। हाँ, और बच्चे बैठते हैं तो वो चेन कवर। मैंने वैसे भी आज चार दिन के बाद गाड़ी निकाली है। नहीं, आप चाहे इसे रोज निकालें, लेकिन इसका थोड़ा ख्याल करें। और बैक मिरर्स भी आपको लगाने होंगे। ठीक, बैक मिरर्स लगाएंगे तो आपकी सेफ्टी है, पीछे आप देख सकेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है सर। अदरवाइज पीछे देखते हुए पिछली सवारी डिग भी फिर नहीं, सारा इंदा तैयार करेंगे। आप कौन सा लेमोजीन पे बैठे हैं भाई? नहीं नहीं, अल्लाह ख्याल करे, सिंगल पहिया ही है ना। ठीक है ठीक है। हाँ, तो इसको जरा ध्यान से और बाजी का ख्याल रखा करें यार, आप ख्याल ही नहीं रखते। ये सूरत हाल है जी, इधर भी देखते हैं जी, बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बॉस? ठीक ठाक। तो पीछे हेलमेट ही नहीं पहना, लेडीज को भी ऑर्डर दें हेलमेट पहनने के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाजी आप गिरेंगी खुदा ना खास्ता तो आपके हेड इंजरी हो सकती है। तो हेलमेट भी पहने जब आनी है, वो तो हेलमेट पहन के भी आनी। नहीं नहीं भाजी, देखें एहतियात और चीज है, आनी और चीज है। तकदीर को एहतियात को आप मिक्स तो नहीं कर रहे? एक मिनट, आप डॉक्टर के पास जाए ना कि आनी है तो फिर देखिए, आप बीमार भाजी होती है तो डॉक्टर के पास जाती है। मेरी बात, बीमार होती है डॉक्टर के पास जाती है। आप लोग, आप ये क्यों नहीं कहती कि आनी है, मैं रहने देती हूँ? सुन तो ले जी, बताए आप लोगों ने ये कंपनी को लिया ये हेलमेट बेच? भाजी आपकी सेहत अगर बच जाएगी तो मेरी कंपनी को फायदा? नहीं फायदा, मैं कंपनी खोल रहा हूँ, फायदा आप लोगों को है। भाजी आपका आपका सर, उसकी हिफाजत बड़ी जरूरी है भाजी। अगर इतिहास से चलाएंगे तो हिफाजत हो ही जाएगी। नहीं सुने, बात ये है कि आपके गिरने, देखे गिरने की सूरत में पीछे से भाजी को हिट आपको खुदा ना खासा करता है, आप रोड पे गिरते हैं भाजी, आपका सर इंजरी, हेड इंजरी नहीं होगी तो आप बच जाएंगे। आप हेलमेट, ये एहतियात बेहतर है ना बाजी? वो ठीक है आपकी बात, हेलमेट बाजी देखें मुझे आपने देखें देखें बाजी आपका, मैं भाई का अभी मोबाइल चेक करूंगा ना तो ये 35,000 वाला मोबाइल जेब से निकलना है। वो ठीक है, लेकिन जो आप अपनी सेहत पे अपने सर के लिए गरीब थोड़े पैसे लगा सकते हैं। गरीब बेचारा नहीं ले सकता, वो क्या करेगा भाजी? इतनी महंगी शॉल आपने पहनी हुई है, 500 का हेलमेट ले ले, भाईजान ने इतने मजेदार कपड़े पहने हुए हैं। मैं अपनी बात देखे, उनके कॉलर पे भी कढ़ाई हुई हुई है। अपनी बात नहीं कर रहे, 1-5 है। मैं अपनी बात नहीं कर रही, लोगों की बात कर जी। आपसे हम अभी मुखातिब है। नहीं आप जो ये भी तो देखे ना, जो गरीब नहीं ले सकते वो कहाँ से ले? मेरी बहन आप तो लेना नहीं, आपकी खुदा ना खासा गिरेंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह को हिफाजत रखे, ना तंग करे बाजी। बाजी सेहत से ज्यादा कोई चीज जरूरी नहीं, ठीक है आपकी बात, हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। आप रोड पे निकले हैं, यहाँ आपको बाजी पता है कि रोड पे डिसिप्लिन ही नहीं है, लोग मार जाते हैं, पीछे से हिट कर जाते हैं, गरीबों को भी तंग कर रहे हैं ना। गरीब बाजी वो सेहत उनकी जरूरी है, हिफाजत जरूरी है। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया जी। किधर जा रहे हो? इतना नीला हेलमेट क्यों है? शाबाज, अच्छा किया आपने हेलमेट पहना। ये फ्रंट मिरर्स, पीछे देखने वाला शीशा लगवाने लगे हैं। अभी लगवाने जा रहे हो? जाते पर लगवा के जा रहे हैं। ठीक है जी, ये सूरत हाल आपके सामने, और इधर क्या सूरत हाल बनी है जी? हाँ जी अली साहब, इधर क्या मामला है? ये ट्रिपलिंग पे है, ये ट्रिपलिंग इन्होंने की हुई है हेलमेट। भाग गए हैं तीनों, ये आपको देख के ही भाग गए हैं। मैंने तो इनको डॉक्यूमेंट्स इनसे इंक्वायर किए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स दिए नहीं अभी। सर अस्सलाम वालेकुम, सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर तीनों बंदे किधर जा रहे हैं? हाँ रोड जा रहे हैं तीनों ही। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अली अंजुम। और आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। आईडी कार्ड नहीं बना? नहीं, अप्लाई किया हुआ अभी।
उसकी कोई आपके पास रसीद होगी? नहीं अभी नहीं। अभी नहीं है? नहीं। किधर मेरा बेटा जा रहा था? मैं हारोड जा रहा था, आपको बताया तो है। खैरियत से? हाँ जी, मोबाइल लेना था। मोबाइल लेने? हाँ जी, रिपेयरिंग के लिए। हेलमेट लेने नहीं गए आप? नहीं, हेलमेट वो पास था हमारे। बाकी दो ने नहीं पहना? हाँ जी, वो बाकी दो का भी खर्चा कहाँ से उठाए आप, एक ले लेते हैं, बड़ी बात है। आप मोबाइल कितने वाला रखा हुआ आपने? अभी लेने जाना। कितने रुपए का लेके जा रहे हो? 15,000। बेटा हेलमेट तो बहुत सस्ता है सर, एक है तो है पास। एक तीन बंदे कैसे पहनोगे? इधर आओ बेटा मेरा, इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है बेटा आप? तैमूर। बड़ा खूबसूरत अपर पहना तैमूर आपने। क्या करते हैं तैमूर आप? मैं 9th class में। 9th class में? तो कोई गाना शाना गा लेते हो? नहीं। कोई शेर आता है? कोई डायलॉग आता है? कोई लतीफा आता है? नहीं। कुछ भी नहीं तुम्हें आता? नहीं। अच्छा चलो, ये भी, ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़े टैलेंटेड बच्चे हो यार माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ कि तीन बंदे एक हेलमेट कैसे पहनते हो यार? एक फन है, बाकी वो आप समझ जाए। तो आपका आईडी कार्ड भी नहीं बना? बस फिर अल्लाह दे वाले या अली साहब दे वाले। अली साहब क्या करेंगे आप? ये बाइक बंद कर रहा हूँ, उनके पास ना लाइसेंस है, ना रजिस्ट्रेशन बुक है, ना आईडी कार्ड है। और ये ट्रिपलिंग पे जो बाइक ड्राइव कर रहे हैं उन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था, आगे टंकी पे रखा हुआ था। ठीक है जी, ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्यों रोका सर इन्हें? सर इन्होंने जो पिछले हैं सेकंड सीटर है, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, जो कि इनकी सेफ्टी के लिए। हो सकता है कोई सेलिब्रिटी पीछे बैठी हो, देख तो लेने दिया करो। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बॉस? ठीक भाई। क्या नाम है आपका? ताहिर। ताहिर साहब इनकी बाइक है? नहीं, बाइक मेरी है। तो इन्होंने पीछे बैठना था बेसिकली? नहीं नहीं, अब वो चला रहे हैं। इसका मतलब है कि पिछले वाले ने हेलमेट पहना हुआ है, इसने आगे बैठना अगले वाले ने हेलमेट नहीं पहना हुआ। आप हेलमेट क्यों नहीं पहनते? भाई ने पहना हुआ, एक नहीं दो का। तो आपको पता है कि जो सेकंड सीटर है वो बिल्कुल इनसिक्योर होता है, बिल्कुल ओपन होता है। जो फर्स्ट है, जो बाइक राइड कर रहा है, उसके हाथ में फिर भी स्टीयरिंग है, तो वो इन केस ऑफ एक्सीडेंट वो खुद को बचा सकता है। आप तो बिल्कुल ओपन है, आप इस अगर खुदा न खासा लगती है तो आपका आइडिया नहीं था, लेकिन अब पहने। नहीं, अंडरस्टैंडिंग दो मुझे, नेक्स्ट टाइम इस्तेयाद करेंगे। आप क्या करते हैं सर? आपका हेलमेट पहना हुआ है? मोबाइल शॉप है। मोबाइल शॉप आपके? क्या मोबाइल शॉप? एक ही दुकान देनी दोवा दी? हाँ पहने एक ही। अच्छा एक ही में दोनों है? मैं शायद हम साए हैं, दो अलग अलग दुकान है। हेलमेट भी है क्या? हेलमेट दो है लेकिन आज पहन के नहीं आया, वो शॉप पे रहा। हाँ जी, आप लोग हेलमेट नहीं डाल रही है? रोक लिया, आज नहीं पहन के। मेरी आंखें कलो पैदरा से मिलती है, मैं कहता हूँ तेरी आंखें तो आपस में नहीं मिलती। तो माशाल्लाह खूबसूरत भी है भाई जो है, तो शायद इसलिए हेलमेट पहनने में हेजिटेशन फील करते हैं। यार पहना करें है? नहीं वो पहनेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं पहन के आते हैं। वो आज ना असल में हुआ ही था कि वो बांध जिनने। आप देखें जी कानून के मुताबिक जो भी करना है। ये सूरत हाल है यहाँ, और बेसिकली आपने ये देखा कि जब बाइक बेचने वाली कंपनियाँ जो हैं वो हेलमेट साथ देंगी तो पहले ही दिन से लोगों को आदत होगी, और बाइक की फरोख्त पर पाबंदी है, और सारी की सारी कंपनियाँ जो हैं उन्हें भी तलब किया गया है कि उनको बताया जाए। और हाईकोर्ट के ये बड़े बहुत बड़े स्टेप्स हैं जिनके मुताबिक लोगों को जो है वो नेक्स्ट फेज़ में हमें लग रहा है कि शायद और भी ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाए चीज़ों को, जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो आपके सामने। सर अस्सलाम वालेकुम। किधर जा रहे हैं आप? अभी तो मैं जी हाल रोड जा रहा हूँ। इनका चलान करें, बाइक किधर है इनका? हेलमेट की मालूम ले रहे हैं कि आया जो दोनों मोटरसाइकिल सवार हैं वो हेलमेट पहनेंगे या क्या क्या सिलसिला चल? आपने बताया फिर? जी मैं इनको ब्रीफ बताएं भाईजान, अकॉर्डिंग टू जो हाई कोर्ट की जो रूलिंग है उसके मुताबिक जो दोनों सवार हैं बाइक के उन पे हेलमेट पहनना लाजमी है। ये सिर्फ जो कानून का कोर्ट का जो ऑर्डर है सिर्फ उसकी कंप्लाइंस नहीं है, बल्कि आपको अपने आप को भी सेव करना चाहिए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने आप को सेव करते हुए फिर बाइक पे बैठे। बेटा भी बैठे, बेटा क्या करते हैं आप? पढ़ता हूँ। पढ़ते किस क्लास में पढ़ते हैं? कोई गाना शाना आता है बच्चे को? क्या कोई तकरीर तकरूर आती है? कुछ सुना सकता है ये? बताओ क्या सुना सकता है? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं आता बच्चे को? ना जी बच्चे को भी कुछ ना लायक है। अल्लाह खुश रखे। अच्छा जी सूरत हाल आपके सामने है, और कितने परसेंट लोग आप देख रहे हैं अली साहब के वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हेलमेट वाली सिचुएशन पे? अभी जो एक दो दिन हुए हैं इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है, काफ़ी हद तक लोगों को अवेयरनेस आ गई है, और जो लोग नहीं पहन रहे उनको माल से नीचे उतार रहे हैं, माल रोड के ऊपर उनको हम सफ़र नहीं करने दे रहे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उम्मीद है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन। मुझे दूसरा ये बताएं कि इस पे जो बैक मिरर्स पे तो लोग नहीं अमल दरामद कर रहे? अभी हम बैक मिरर पे अभी सिर्फ ब्रीफिंग दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, लेकिन अभी इसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं अभी की। आइए मेरे साथ। ये सूरत हाल है जी आपके सामने, और लोगों की बड़ी तादाद अब हेलमेट्स पहनती भी है, और बहुत बड़ी तादाद अभी भी बैक सीटर्स जो हैं वो हेलमेट नहीं पहनते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। सेहत कैसी आपकी? भाई साहब किधर जा रहे हैं? इधर आए हैं वकील को। भाई साहब आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना?
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਉਹ ਆਪ ਓਪਨ ਲੈ ਲੇ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਵਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲੇ ਜੀ ਜੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਹਮ ਇਨਕੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਰੇਂਗੇ, ਆਪ ਮਾਲ ਪੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰੇਂਗੇ, ਮਾਲ ਸੇ ਨੀਚੇ ਜਾਏਂਗੇ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਸੀਟ ਨੇ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਯੇ ਯਹਾਂ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬੋਸ? ਖੈਰੀਅਤ ਸੇ ਆਪ? ਸਭ ਦੁਆਇਆ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ। ਤੋ ਸਰ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕੀ ਹੁਆ? ਕੀ ਹੁਆ? ਹੁਆ ਯੇ ਕਿ ਦੋਸਤ ਕੋ ਮਿਲਣਾ ਥਾ ਬਸ। ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਆਪਕਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਪ? ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਕਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਹਮਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਕੋ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਂ ਮਜ਼ੀਦ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹੈਲਮਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾ ਆਪਨੇ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਨੇ, ਉਸ ਬੈਕ ਸੀਟ ਨੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਕੋ, ਸਿਆਣੇ ਬਹਿਣੇ ਆਦਮੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਈਏ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਖਾਈਏਗਾ ਜੀ। ਅਭੀ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਭੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਕੀ ਕਿਤਨੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? 25। ਤੋ ਅਭੀ ਤੱਕ ਆਪਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ? ਆਪਣਾ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀਜੀਏਗਾ। ये आप दोनों सीटर बाइक्स जो बैक सीटर्स हैं उन पे भी अब हेलमेट जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अच्छा, आप हेलमेट देखिए ना भाईजान, अगर गिरेंगे तो आप भी गिरेंगे, इकट्ठे गिरेंगे ना एक ही बाइक पे हैं इस तक, यहाँ तक तो हम दोनों मुत्तफिक हैं। तो इनको हेड इंजरी नहीं होगी हेलमेट पहना है? आपकी हेड इंजरी कैसे बचेगी? आपने तो नहीं पहना। नहीं पहना, वैसे ही है। सवारी तो एक है, तो नतज दो मुख्तलिफ कैसे निकल सकते हैं? ठीक है। नहीं वैसे मुझे मेरे इल्म में नहीं था कि दूसरा भी हो गया, नहीं तो वो भी ले आता। चले कल से आप इंशाल्लाह, अभी तो ये कानून के मुताबिक देखें जो भी कर रहे हैं, लेकिन कल से आप बिल्कुल हेलमेट पहनिए ताकि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकें। और व्हील कवर्स बड़े ज़रूरी हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके पैरों के मसाइल, पैर जो है वो आ जाता है व्हील में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सलेंसर पर पैर लग जाता है, सलेंसर कवर नहीं है यहाँ, और चेन कवर्स नहीं है, बहुत सारे यहाँ मसाइल हैं जिसकी वजह से हालात जो हैं वो खराबी का शिकार है। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ये देखें जी दो हेलमेट्स वाले अशखास, अफराद, मोहज़्ज़ब शहरी, मोहज़्ज़ब लोग, किधर है हेलमेट उलमट? नहीं वो यहाँ आके मुझे याद आया कि मेरा हेलमेट नहीं, मैंने इसलिए बाइक ऑफ कर दी। हेलमेट नहीं है तो ये पैदल पैदल चलने हो गए हैं। पैदल का तो आप चला नहीं कर सकते? नहीं नहीं, अलाउ नहीं है ना, पैदल का नहीं कर सकते जी? ज़रूर करेंगे, ये पीछे से ड्राइव करते हुए आ रहे हैं, इन्होंने हमें देखा है और ये वहाँ से उतर गए। तो मुझे बताएं हेलमेट नहीं पहना आपने? यार एक तो मसला ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उसने महंगाई ऐसी की हुई है कि हेलमेट यहाँ से यहाँ पहुँच गए। उन अदारों को भी तो देखें ना जो करते जा रहे, बढ़ाते जा रहे रेट। अब आवाम अगर एक हेलमेट ले लिया, दूसरा जो पीछे बैठा है उसके लिए पैसे ना बचे, उसके पास क्या करेगा वो? जॉनसन साहब जी, ICU में जाके पूरे मोहल्ले, पूरी कौम की दुआएं करवाना कि या अल्लाह मुझे सेहत अब दे दे, वो बेहतर है कि कोई थोड़े से पैसे पूसे इकट्ठे करके उधार। एक मिनट बात सुन ले, मैंने सुनी आपकी बात, मेरी बात सुने, कमेटी डाल के मोहल्ले में को बंदा 1000 खंड का हेलमेट ले ले। मुझे बताएं कि भाईजान को क्यों नहीं हेलमेट डलवाया? पौसर पौसर लग गया, की बनेगा? सर कोई नहीं है, इमीडिएटली आए थोड़े काम ली। नहीं सर वो गिर सकता है ना? गिर सकते हैं। हाँ वो खूबसूरत सा इंसान है, है? तो 600 दिहाड़ी है, कहाँ से पूरे करें हेलमेट ले 4000? इतनी सोनी एडिडास की किट आपने पहनी है।